हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रसमलाई। बिल्कुल जैसे बेकरी में मिलती है वैसे ही बनेगी, सॉफ्ट और टेस्टी। तो उसके लिए हमने 1 लीटर मिल्क को बॉईल करने के लिए रख दिया है। देखो, मिल्क बॉईल हो रहा है। जैसे मिल्क बॉईल हो जाएगा, अब इसमें हम ऐड करेंगे एक सॉल्यूशन। विनीगर और वाटर का सॉल्यूशन ऐड करेंगे क्योंकि हमें ये मिल्क को कर्डल करना है। जैसे वो विनीगर का सॉल्यूशन इस मिल्क में जाएगा, वो मिल्क बिल्कुल कर्डल फॉर्म में हो जाएगा। ये देखें, थोड़ा सा और ज़रूरत है तो थोड़ा सा और सॉल्यूशन ऐड कर लें। ये देखें, इससे हम एक कोई भी क्लॉथ लेके, हमने एक कर्चिप लिया था उसमें स्ट्रेनर के ऊपर रख के ये सारा जो पनीर है उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। ऐसे सारा स्ट्रेन कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से अपने हाथों से प्रेस करें। जो भी वाटर है, इसमें एक्सेसिव वाटर है, उसको रिमूव कर लेना है। तो ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना है, पनीर ज़्यादा टाइट होता है। पर हमें जो रसगुल्ले जैसे बनाने हैं रसमलाई के लिए, तो हमें थोड़ा सा सॉफ्ट ही चाहिए होगा ये पनीर। तो इसमें कुछ भी प्रेशर के लिए नहीं रखना है। अब हमें रसमलाई का जो दूध है उसको तैयार करना है। आँच में सेट कर दें ताकि जो हमारा मिल्क है वो बॉईल होके हाफ हो जाए। और उसमें थोड़ा सा हमने कार्डमम ऐड किया है, 3 कार्डमम पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब जो हमने पनीर निकाल के रखा था उसको अपने जो हाथ होता है हथेली, अपने पाम से उसको ऐसे हाथ से प्रेस करें ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। इसमें हमने 1 स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर लिया। अब वैसे ही अपने हाथों की मदद से इसे सॉफ्ट करें। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी फॉर्म में हो जाता है ये। आप देख ही रहे होंगे कितना सॉफ्ट हो गया है ये। ऐसे फॉर्म होना चाहिए, देखिए। अब हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। उसके लिए 1 कप ऑफ शुगर में 3 कप ऑफ वाटर हम ऐड करेंगे और इस शुगर को जो है उसे हमें डिज़ोल्व कर लेना है। डिज़ोल्व करने के बाद एक सिरप बन जाएगा। देखो, शुगर डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो गया है। हमारा शुगर बिल्कुल डिज़ोल्व हो गया है, ऐसे बॉईल आने लगा है। अब सारे ऐसे जो है पेड़े बना के इसमें ऐड करते जाएं और इसको करीब 15 मिनट्स के लिए हमें उसे बॉईल करना है। ये डबल साइज़ में हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा और ये ब्रेक बिल्कुल नहीं होगा। सारे ऐसे छोटे छोटे बना बना के इसमें ऐड करते जाएं और पकाएं। आप इसके साइज़ देख ही रहे होंगे, थोड़े से चेंजेस हो गए हैं। ये पक चुके हैं और जो हमारा दूध है वो भी तैयार हो गया है। ये देखें, हाफ हो चुका है। अब इसमें हम 3 स्पून शुगर ऐड कर लेंगे। आप शुगर कम भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जितना टेस्ट आप खाते हैं उसके हिसाब से आप बनाइए। शुगर को डिज़ोल्व करें और ये हमारा मिल्क भी तैयार हो गया है। इसको अलग से एक कटोरी में हमने इसको ले लिया है, सर्विंग बाउल में। ये देखें,
हमारा मिल्क रसमलाई का तैयार हो गया और हमारा जो रसगुल्ला है वो भी तैयार हो गया। इसका सारा वाटर ऐसे स्ट्रेन करें और वो मिल्क में इसमें डालते जाएं। मैंने सारे रसगुल्ले के वाटर निकाल के मिल्क में ऐड कर लिया। ये देखें हमारी रसमलाई तैयार है। इसे ठंडा करें और सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा घर में, और बहुत ही ज़्यादा इजी है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।